आइए अब जानते हैं, जब बाबूलाल ने भ्रष्ट सिस्टम को सबक सिखाने के लिए अपनी मास्टर की नौकरी छोड़ दी, सरकारी क्लर्क ने कर दिया था मिसबिहेव। मैंने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया, आपको नौकरी की सख्त जरूरत थी, मास्टर की नौकरी मिलने पर एक साल बाद आपने उसे छोड़ भी दी, कारण? बाबूलाल ने जवाब दिया, देखिए शिक्षक की नौकरी के दरमियान एक घटना ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। सरकार से हमारी तनख्वाह बैंक में भेज दी जाती थी, हम वहीं से पैसे उठाते थे। कई बार ऐसा हुआ जब बैंक अधिकारी ने कहा कि आप लोगों का पैसा तो बैंक में आता है लेकिन अकाउंट नंबर वहां से नहीं भेजा जाता, इससे हमें दिक्कत होती है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर के पास गए, वहां बताया गया कि हम तो अकाउंट नंबर भेज देते हैं। मेरे सामने उन्होंने अगले महीने की डिटेल्स भेजी, लिफाफे में उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर के साथ डिटेल्स भेजी। इसके बाद हम एक दिन उस ऑफिस में चले गए जहां से हम लोगों की तनख्वाह की डिटेल्स बैंक में भेजी जाती थी। वहां पर एक डीलिंग क्लर्क था, हम उसके सामने खड़े हो गए। मैंने उससे कहा कि हमें आपसे कुछ काम है। उसने एक बार मुझे देखा और फिर काम करने लगा। मैंने दोबारा उससे कहा कि मैं आपके ही पास आया हूँ। उसने फिर देखा और इधर उधर देखने लगा। तीसरी बार जब मैंने कहा तो वो बोला, क्या काम है? हमने उससे पूछा कि आप हमारा अकाउंट नंबर बैंक में क्यों नहीं भेजते। इसके बाद वो अचानक मेरे साथ मिसबिहेव कर बैठा। उसने एक ऐसी बात बोल दी जो हमें अच्छी नहीं लगी। हमने उसे टोका कि आप तो बदतमीज की तरह बात करते हैं। हमने कहा कि हम नौकरी करते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अकाउंट नंबर लिखकर भेज देना है, वो भी आप नहीं भेजते। उस ऑफिस की स्थिति विचित्र थी, अफसर तो छोड़ दीजिए, चपरासी तक ये बताने को तैयार नहीं होता था कि किस ब्लॉक का डिटेल्स कौन क्लर्क भेजता है। अगर चपरासी बता भी दे तो क्लर्क ठीक से बात नहीं करता था। इसके बाद हमको लगा कि अब हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि कंपटीशन की तैयारी करके हम अफसर बनकर आएं और ऐसे लोगों को दंडित करें। उसके बाद ही हमने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी। फिर हम विश्व हिंदू परिषद के ऑल टाइमर के रूप में काम करने निकल पड़े।